कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राणा सुजीत सिंह जी। जिस तरीके से लगातार आज अंबेडकर की जयंती मनाई है, क्या संकल्प कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने जी? हमारे बाबा साहब अंबेडकर जी जो कि हमारे संविधान के विधाता हैं और उनके द्वारा ही संविधान हमारा लिखा गया है जिस पे आज हमारा देश चल रहा है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान को लोग फॉलो करें और उस पर अमल करें। एक सवाल और है, जिस तरीके से लगातार राजनीति भी देखने को मिलती है तमाम मुद्दों पर, एक दूसरे पर कोई कहता है बाबा साहब अंबेडकर के वो ही तैसी थे, कांग्रेस पार्टी किस तरीके से क्या श्रद्धा रखती है सामने? देखिए, कांग्रेस पार्टी शुरू से ही बाबा साहब अंबेडकर जी के विचारधाराओं से बहुत प्रभावित है और आपने देखा होगा कि कभी उन्होंने संविधान का उल्लंघन नहीं किया। आज देश की जैसी हालात है आप देख रहे होंगे कि संविधान की तो इन्होंने धज्जियाँ उड़ा के रख दी है, और मैं कहता हूँ कि इससे कहीं ना कहीं बाबा साहब को दुख तो ज़रूर होता होगा, और मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि जितने उन्होंने विश्वास के साथ इस संविधान को बनाया है तो हमारे देश की अन्य सरकारों को कम से कम उनके दिली इच्छा को ज़रूर पूर्ण करनी चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या संविधान की सही अवधारणा इस समय जो वर्तमान में देश की जो राजनीति है उसमें देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल नहीं मिल रही है। आप खुद देख रहे होंगे कि पिछले 6-7 वर्षों में जो राजनीति की विचारधाराओं में बदलाव आया है, नेताओं की खरीद फरोख, सरकार गिराना, सरकार बनाना, जनता की चुनी हुई सरकार को गिराना, विधायकें खरीदना, तो ये सब हमारे संविधान को बहुत बड़ा ठेस पहुंचाती है, और मैं कहता हूं कि इससे हमारे बाबा साहब को बहुत ज़्यादा दुख होती होगी। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के नेता राणा सुजीत सिंह, सहयोगी राहुल के साथ केशव मोहन मिश्रा, JK 24/7 न्यूज दिल्ली। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.